26 जनवरी लाल किला घटनाक्रम करके दिल्ली पुलिस दे वल्लों हिरासत विच लए गए किसानां विचों बुजुर्ग किसान सरदार जीत सिंह 70 साल अते 80 साल दे किसान सरदार गुरमुख सिंह जिन्हां दी पिते दिनी ही जिहड़ी जमानत आ ओह मंजूर होई सी ते हुण उन्हां नूं जेल चों बाहर लियांदा गया है। दस दईए कि दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की लीगल सैल टीम अते सीनियर वकीलां दे यतना सदका इन्हां दोहां बजुर्ग किसानां नूं दिल्ली पुलिस की हिरासत विचों उन्हां दी कैद विचों छुड़वा लिया गया है। जेल तो बाहर तिहाड़ जेल तो बाहर जदों ये पुजे तो इस मौके पत्रकारां दे नाल गलबात करते हुए पूरी जानकारी इन्हां दोहां किसानां दे वल्लों दित्ती गई किवें उन्हां नूं पुलिस वल्लों चुक्या गया की उन्हां उत्ते तशद्दद ढाए गए ते किवें जेल दे विच हालात सी इन्हां सारिआं बारे उन्होंने जाणू करवाया। गल यार मार दी गल लड़ाई दी गल अंदर देण दी नहीं, गल है कि तुसीं ह्यूमिलेट करदे पए जे एक आर्मी दे ऐसे जवानां नूं जिहड़े अज रोण तों मजबूर हो गए जिन्हां ने देश दे वास्ते दी लड़ाई लड़ी। अज जदों जिहड़े हंझू देखदे आ ते मैनूं लगदा देश दे लोकां नूं जरूर शर्म आ रही होगी अज इन्हां साडे वीरां दे हंझू देख के। जरूर इस गल का महसूस हो रहा होगा कि जिन्हां ने पाकिस्तान नूं रवाया सी अज अपने मुल्क दे अंदर रोण मजबूर हो गए ने। अज वो अपने मुल्क दे अंदर खड़े हो के उन्होंने सुतियां गाला जिन्हें क्या गंदिया गंदिया बेइज्जती की वो गल गाला शायद बर्दाश्त किसी को नहीं हो रही और वो बाहर हो गया क्यों तशाकी तो बाबा जी महाराज जी बेचते जाते हैं। इतना कोई नहीं जंग लड़दा बहुत कुछ होंगे आप हारना नहीं अपने हौसले बुलंद रखने आप जित के आना है जिन्होंने उन्होंने अपना जोर ला लिया आप अपना जोर ला लिया उन्हें जोर ला के 10 दिन रख के देख लिया अंदर आप जोर ला के बाहर कद के देख लिया तकड़े रहना है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਰਹੋ ਜੇ ਤਕੜੇ। इस मौके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो कि सारे किसानों जेल चो बाहर कढ़वाने वास्ते वचनबद्ध है दिल्ली कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने दोहां ही किसानों सिरोपाओ दे के सन्मानित किया। इस मौके पत्रकारों के नाल गलबात करते हुए सरदार जीत सिंह जिन्हों की उम्र 70 साल है वो इस मौके भावुक हो गए क्योंकि उन्हों का कहना सी कि उन्होंने उत्ते तशद्दद किया गया ते वड्डी गल ए कि उस साबका फौजी जवान रहे ने जिन्होंने अपनी जान तली उत्ते धर के देश की रक्षा खातर लड़ाइया कीतियां पर अज उन्हां नूं देश की सरकार दे वल्लों एक एहो जिही बदले विच कार्रवाई उन्हां उत्ते कीती गई। ये बहुत ही शर्मनाक कार्रवाई सी जिहड़ी कि देश की सरकार वल्लों साबका फौजी जवानों वास्ते की गई तो इस वेले पूरा देश इस कार्य वास्ते शर्मिंदा है। इसे मौके सरदार गुरमुख सिंह जिन्हों की उम्र 80 साल है उन्होंने भी गलबात करते हुए दसिया कि वह अज भी पूरी चढ़ती कला विच ने जेकर अज भी कि बैरीकेड चकने पे तो वह तैयार हैं अज भी वो अपने हकों के खातर इस लड़ाई के नाल लड़ाई के जूझते रहेंगे। जेल तो बाहर आने के सार उन्होंने जेल के अंदर किहो जिहे हालात ने उन्हां बारे भी दस्या। उन्हां दा कहना है कि जेल की हालत बहुत ही माड़ी है पैनिक हालातों के किसानों उन्हां जेलों के जबरदस्ती कैद करके रख्या होया है उत्थे बिल्कुल भी सफाई नहीं है जेकर बाथरूमों की गल की जाए तो वह तो बद तो बदतर हालात ने उन्हां दा की कहना है तुसीं आप वीडियो दे विच सुन सकते हो। दोनों बजुर्ग जिन्हां दी इन्नी ज़्यादा उम्र हो चुकी देश की सरकार वालों देश की पुलिस दे वालों उन्हां नूं जेल विच बड़ी ही बुरी हालत दे विच कैदी बना के रख्या गया। इसे मौके सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी की गलबात की है वो तुसीं सारी गलबात वीडियो के जरिए सुन सकते हो। देखो अज मैं पहले तो देश की गल कहना चाहना देश को अज चाहे सू बड़ी शर्म आ रही है इतिहास जी अगर बाहर खड़े बड़ी शर्म आ रही है क्योंकि अज देश को यह गल समझ आनी चाहिए आ कि ये कौन ने ये आर्मी जो जवान ने जिन्होंने देश का सीना चौड़ा किया। सरदार गुरमुख सिंह जी जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई जंग लड़ी और उस जंग के अंदर पाकिस्तान के 80,000 सैनिकों कुटिया से लिया होज उन्होंने लोगों जेलों से डकया गया है। सानू बड़ा दुख आडे ऐसे बजुर्गों जी साढ़े ऐसे बजुर्ग सरदार गुरमुख सिंह जी सरदार जीत सिंह जी सू बड़ा दुख है इस गल का कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी देश के वास्ते लड़ाई लड़ाई चलाई जेलों के अंदर तक के जितना की शिरकत की गई जितना के माड़े बोल बोले गए जितना के इन्होंने बजुर्गों के उत्ते डंडा मारे 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 गए और गाला कटिया गई अतवादी वक्वादी किया गया ये साढ़े देश के लोगों के वास्ते देश
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ 660 ਹੱਥ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਵਾਨ 90,000 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੈਂਡਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਜਨਰਲ ਹੈਂਡਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਹੈਂਡਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਜੋ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਚੇ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਜਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ शदत भी होया की गल हुई पूरा ब्रीफ करो खुल के दस्यो की हां जी अच्छा उदन की होया पूरा खुल के दस्यो कसूर की सीगा कसूर आप दे हक मंगना गुनाह है इस देश दे विच उस दिन की हुआ थोड़े नाल हां रोटी खाने जी उस तो बाद जेल की गाते मंदे मंदे बाद अच्छा उनको जेल की करते रहे वो तो मैं कहने चाहिए चुप 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 देखो गुस्सा इस गल का भी वर्ड्स लो तो सही की बेइज्जती करते क्या यार मार दी गल लड़ाई दी गल अंदर देन दी नहीं क्या है कि तुसी ह्यूमिलेट करदे पए जे आर्मी दे ऐसे जवानां नु जिहड़े अज रोण नु मजबूर हो गए जिन्होंने देश दे वास्ते दी लड़ाई लड़ी अज नु जिहड़े हंजू देखदे आ ते मैनु लगदा देश दे लोकां नु जरूर शर्म आ रही होगी अज इहना साडे वीरां दे हंजू देख के जरूर इस गल दा महसूस हो रिहा होगा कि जिन्होंने पाकिस्तान नु रवाया सी अज अपने मुल्क दे अंदर रोण हो गए अज वो अपने मुल्क के अंदर खड़े हो के उन्हें कुत्तिया गाला जीने के गंदिया गंदिया बेइज्जती की वो गल गाला शायद बर्दाश्त किसी को नहीं हो रही और वो तो बन के बाहर हो गया क्यों धक्का किया तो बाबा जी मैं जी बेइज्जती कर दिया इतना कोई नहीं जंग लड़दिया बहुत कुछ होता है आप हारना नहीं अपने हौसले बुलंद रखने आप जित के आना है जिन्हें उन्होंने अपना जोर ला लिया ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਕੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮਨ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਤਕੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੁਣੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਧਰਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿ बहुत वड्डी स्टेटमेंट है ये भी पर जदों गिरफ्तारी हुई सरदार गुरमुख सिंह जी हुणां नाल भी असीं गल कीती वो कहिंदे कि उत्थों कुट्टिया भी सानू कि तुसीं की लैण आए हो इत्थे हाँ उम्र का लिहाज तो होना चाहिए घट्टो घट क्योंकि इन्हां दी उम्र 80 साल तुहाडी भी 70 साल के करीब है लाल किले का कोई जिक्र होया उस टाइम लाल किले जाने बारे गलबात हुई लंगर छक दे कहते जिसकी खाई है बाजरी उसकी बड़ी है हाजरी कोई बंदा इन्नी बेशरम और इन्ना आसान फरामोश और इन्ना किरतदन किवें हो सकता है कि जिहड़े बजुर्ग तुहानू लकड़ा पाल पाल के अग पाल पाल के उत्थे लंगर छकाउंदे रहे तुहानू चावां छकाउंदे रहे तुसीं यार उन्हां दे डंडे वरा रहे जी यार डंडा मारन तों पहलां तुहाडी आत्मा ने तुहानू दुरे लातां नहीं पाई दुरे लातां पाई होणगीआं सी ब्राड़ी मैदान दे अंदर जदों बजुर्गां ने उस नूं गिरफ्तार कीता गया ब्राड़ी मैदान सरकार
जिस तरीके उन्होंने जी गलबात साझी की इस वे भी चढ़ती कला च ने जिस तरीके जीत सिंह ने कहा देख रहे हो सी तस्वीर सरदार गुरमुख सिंह हुणी दे बाद जीत सिंह हुणी मैं जो भी बैरीकेड हो चक दंगा फिर चक दंगा मैं दसना चाहना जी सरदार गुरमुख सिंह जी फौजी साडे तुसी देखो जिवें इन्होंने गल दस्सिया कुटना मारना सिद्धता झेलनिया इस तरह से धक्का करना पर सरदार गुरमुख सिंह जी के हौसले नहीं तोड़ सके सारिया कोशिशों के बावजूद साडे बुजुर्ग जिहड़े ने पूरे जोश के नाल खड़े ने मैं उन्होंने सब नूं कहना चाहना है जिहड़े बार बार कह रहे थे कि मुकदमे दर्ज करके साडे हौसले नूं जिहड़ा लगता सीगा कि मुकदमे दर्ज करके साडे हौसले नूं पस्त कर सकते ने मैं उन्होंने अज जवाब देना चाहना है सरदार गुरमुख सिंह जी की आवाज सुन लो और फिर कह रहे ने जो लोड़ पई ते बैरियर तो पिछे नहीं हटांगे पर गल है कि जो नजायज तशद्दुद की गई बिना गल दे लंगर छकदे नूं चुक के लैके गए ने कोई उस अंदोलन के अंदर इन्होंने वायलेंस नहीं की आर्मी के सबका एक फौजी ने जिन्हों का कोई परपज नहीं सी वायलेंस करना और किसानी की लड़ाई लड़न वास्ते पहुंचे सी सरदार जीत सिंह जी भी थोड़ी देर च बाहर आ रहे हैं सरदार गुरमुख सिंह जी की कल जमानत हो गई सी लेकिन जेडे जमानती दे कागज पूरे ना होने करके अज बाहर आए ने हौसले बुलंद ने यह साडी किसानी लड़ाई की जित होगी जिहड़ी लोग सोचते सी कि सानू डरा सकते धमका सकते अज उन्हां दा जवाब है सरदार गुरमुख सिंह जी आपे जवाब देणगे मैं फौज विचों रिटायर होया ते मैं 1962 दी लड़ाई लड़ी आ 1962 चाइना दी लड़ाई लड़ी आ 1965 दी लड़ाई लड़ी आ 1971 दे विच जिहड़ा पूर्वी पाकिस्तान सीगा 95,000 मुसलमानां नूं असीं हैंड ओवर करा के उन्हां दे हथियार छड़ाए ने और मैं गोल्ड मैडलिस्ट हां रेसलर भी हां रेसर भी हां और मैं कबड्डी रेडर भी हां कबड्डी खिलाड़ी हां और मैं अपनी उम्र दे नूं अभी भी जे मैं बॉर्डर ते मैनूं लै जाण बैटल गेमां च बॉर्डर ते जय जवान जय किसान जो है बिलकुल रोल दिता मजबूरी बस जेलां विच देखेगा जेलां दी हालत बहुत माड़ी आ
जो लैटरियां ओवरफ्लो हो रही है और बैरकां दे विच कोई सफाई नहीं है। मैंने बोला भाई कौन सी असूल है भाई ऐसे एक नहत्थे बंदे को ऐसे गोली मारने को, बोला गोली भी मार देंगे, मैं मार दो फिर। तो मैंने बोला जब बोला गोली मार देंगे, मैं मारो मेरे से गोली मारो, मैं नहीं जाना नहीं चाहता वापस। तो मैं बहुत मैं गोल्ड मेडल मेरे को मेरी फोटो आई है जो बाहर इंग्लिश ट्रिब्यून है मेरे को। मर्द जेडा बिचा बंदे बहुत तंग आ, लैटरिन जो ओवरफ्लो आ, जेडी लैटरिन डके हुए है वो लैटरिन बेकार आ, ते ओह कहना यूज करने योग नहीं है, बनने के भी योग नहीं, अंदर बहुत खराब है काम।